हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आपको एक ही अपने वीडियो में कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का। ऑल इन वन वीडियो है, वैसे तो इसके मैंने काफ़ी सारे कंटेंट आपको पहले ही करवा दिए हैं। आज मैं आगे पीछे से जो छुटा हुआ है, जो नहीं छुटा हुआ, शुरू से मैं एक ही अपने वीडियो में सब पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूँगी। तो जुड़े रहना लास्ट तक और देखना मेरे वीडियो को पूरा, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। रिपीट करो अपनी सेम ही बात, रिपीट करो, थक गए सुन सुन के। चैप्टर टू की तरह चैप्टर है, कोई बात नहीं, बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। चल चल चल, लास्ट डे आज इस चैप्टर का, ठीक है। तो ऑल इन वन चैप्टर है, कर लेना और ध्यान से सुनना। अगर इस चैप्टर को यहाँ पे इस मेरी वीडियो को सुन लें तो दोबारा कभी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो, टाइम वेस्ट करना हमारा काम नहीं है, स्टार्ट करते अपने वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करना बता देती हूँ। चैप्टर 7 हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी था, इसमें क्या था, हमारी कंपनी क्या होती है, मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है। कंपनी हमारी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जिसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस और काउंसिल होती है, है ना। और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी फॉर्म कैसे होती है, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को सिंपलर वे में फॉर्म करने के काम को हम कहते हैं। कंपनी जब हमारी फॉर्म होती है, कोई भी कर सकता है, एक प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, पब्लिक सेक्टर भी कर सकता है। अगर एक हमारा प्राइवेट सेक्टर कंपनी फॉर्म आउट करता है तो उसकी पेड अप कैपिटल लो होती है, और अगर एक पब्लिक कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी होती है तो उसकी पेड अप कैपिटल ज़्यादा होती है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के ये नोट्स लिखना अपने कॉपी में, काफ़ी इजी लैंग्वेज के हैं। इसके 3 स्टेजेस होती है, बेसिकली इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। कौन कौन से, वैसे तो 4 होती है, बट इसमें मैंने अपने स्लाइड में कंबाइन में बता दिया, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। प्राइवेट कंपनी एज अगेंस्ट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू रेज द फंड्स फ्रॉम पब्लिक। मैंने पहले भी आपको ये बताया था, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि जो जनता से, हम लोगों से पैसे लेने का, मनी इशू करने का, फंड्स जनरेट करने का जो हक होता है, वो पब्लिक कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी को होता है, प्राइवेट कंपनी को ये हक नहीं होता। इट डज नॉट नीड टू इशू ए प्रोस्पेक्टस एंड कंप्लीट फॉर्मेलिटी ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ना ही ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन को एक्वायर कर सकती, ना ही ये फंड रेज कर सकती। ये हक सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नहीं, हाँ, ये हक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी के पास होता है, समझे। अब देखते हैं पहला जो हमारा प्रमोशन स्टेज होता है, मैंने सब बता रखा है, सब वीडियोस बता रखी हैं, मैं बता रखा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आज ये ऑल इन वन वीडियो है तो मैं आपको अच्छे से दोबारा बता देती हूँ। इट इन्वॉल्व्स कन्विंसिंग अ बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी सो दैट प्रैक्टिकल शेप कैन बी गिवन टू द एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्या मतलब हुआ इस बात का, पहले भी मैंने आपको डिटेल्ड में 25 मिनट बताया था इस वीडियो का, मतलब इस बारे में। अब तो मैं आपको क्विक रिकैप ही करवाऊंगी, लेकिन प्रमोशन स्टेज में क्या होता है, वो पर्सन जो सबसे पहले आइडिया को जनरेट करता है। अगर मेरे दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया कि मैं एक बिज़नेस खोलूं, तो मैं एक कंपनी की प्रमोटर होगी और प्रमोशन स्टेज को आगे लेके जाऊंगी। प्रमोटर इज़ नथिंग बट अ पर्सन हु फर्स्टली थिंक आउट अबाउट द आइडिया टू फॉर्म अ बिजनेस। ये एक ऐसा पर्सन था जो सबसे पहले दिमाग में आइडिया लाते कि चलो चलो मैं बिजनेस, मैं एक अपनी कंपनी खोलूँगा या मैं एक अपनी कंपनी खोल सकता हूँ। ये फर्स्ट स्टेज आपकी कंपनी फॉर्मेशन की होती है। और प्रमोशन स्टेज को जो कैरी फॉरवर्ड करता है, प्रमोशन जो करता है, वो हमारा प्रमोटर होता है। प्रमोटर कौन होता है हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69। इंपॉर्टेंट बात है, सेक्शंस आ जाते हैं कि किस किस सेक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन बनता है। तो प्रमोटर हमारा सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग बनता है। प्रमोटर कौन होता है, हु हैज़ बीन नेम्ड सच एज इन प्रोस्पेक्टस आइडेंटिफाई द कंपनी एज द एनुअल रिटर्न। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो हमारा जो प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, उसमें इसका नाम होता है और उसी के द्वारा इसे पहचान मिलती है। एक प्रमोटर को अगर प्रोस्पेक्टस में उसका नाम होता है, प्रोस्पेक्टस के द्वारा ही उसकी नींव रखी गई होती है, तो वो एक प्रमोटर होता है। सेकंड, हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। ये आपकी कंपनी में इसका हक होता है, एक आपकी कंपनी में प्रमोटर का हक होता है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, चाहे वो शेयर होल्डर बन जाए चाहे वो डायरेक्टर बन जाए। प्रमोटर जो कि बिजनेस के बारे में सोचता है, वो उसका पूरा पूरा हक आपकी कंपनी में होता है, चाहे वो आपका शेयर होल्डर बन के हो या डायरेक्टर बन के हो, समझ गए।
In accordance with the WHO's advice, directions or instructions, Board of Director Company Sector, how it provide nothing to the subclause to a person who is merely a professional capacity. इस लाइन का क्या मतलब है थर्ड पॉइंट का? इसका मतलब ये हो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इन अकॉर्डिंग्स विद दोस एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज कम्स टू एक्ट. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी से या रजामंदी से या उनके कॉन्सेंट पा के अपने काम को आगे बढ़ाता है और उसके बाद ये काम को करता है. ठीक है, अगर इन शॉर्ट को तो प्रमोटर एक ऐसा पर्सन होता है जिसके दिमाग में सबसे पहले बिजनेस का आइडिया आता है, वो बिजनेस के आइडिया को रन फॉरवर्ड करता है, कैरी फॉरवर्ड करता है, बिजनेस को आगे बढ़ा के लेके जाता है. समझ गए? फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और ध्यान से नोट्स बनाना. फंक्शन होता है पहला फंक्शन आइडेंटिफाइंग ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. बिजनेस की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, एक बिजनेस के पास क्या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, उसका पता लगाने का काम भी प्रमोटर का होता है. अपॉर्चुनिटी होती है जैसे हम एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे कितने पैसों में बनाएंगे, क्या हमें कोई और इन्वेस्टमेंट मेजर लेना पड़ेगा, या जो हम बनाएंगे वो उनकी उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक कंडीशन हमारी इतनी स्ट्रांग है जो हम कर सकते हैं नहीं, ये सारे काम करने का फर्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. गॉट माय पॉइंट? सेकंड है फीजेबल स्टडीज. फीजेबल स्टडी में आता है इट मे नॉट बी फीजेबल और प्रॉफिटेबल टू कन्वर्ट ऑल आइडेंटिफाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन टू रियल प्रोजेक्ट. मैं अगर एक ओनर हूँ, मेरे पास 10 लोग अपने आइडिया लेके आए कि मैम आपने ये कर लो, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो, आप ऐसे प्रोडक्ट बना लो, बट ये समझदारी नहीं होती कि मैं सबके प्रोडक्ट्स में सबके आइडिया में अपना इन्वेस्ट करूँ, जो सबसे प्रॉफिटेबल होगा मैं उस पर करूँ. क्योंकि 10 लोग मेरे पास है, मैं अगर अपनी मेरी इकोनॉमिक पोजीशन ऐसी है तो मैं अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को देखते हुए या तो 4 लोगों में इन्वेस्ट करूँ या 6 में करूँ या 2 में ही कर दूँ. तो फीजेबल और प्रॉफिटेबल का मतलब यही होता है कि इस चीज़ को समझना कि जिस जो बेस्ट हो, मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ सके. और वैसे फीजिबिलिटी अगर हम गए तो फीजिबिलिटी मतलब यही होता है एक ऐसी इंटेलिजेंसी कि कम से कम रिटर्न में ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट आ सके. और फीजिबल स्टडी 3 तरह की होती है, टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी और इकोनॉमिक फीजिबिलिटी. टेक्निकल फीजिबिलिटी का मतलब होता है आपके पास अगर टेक्नोलॉजी इतने इनफ हो जिसके थ्रू आप अपने कंपनी में अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सके, अपनी कंपनी को प्रेस्क्यू कर सके आगे, तो वो टेक्निकल फीजिबिलिटी थे. फाइनेंशियल फीजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास इतने फंड आप अरेंज कर पाओ. देखो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी में तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने बिजनेस को कर ले, आपकी बिजनेस इतनी प्रॉफिटेबल हो. और फाइनेंशियल फीजिबिलिटी मतलब होता है अगर आपके पास इकोनॉमिक इतनी नहीं है, आपके पास इतना पैसा कंपनी में नहीं भी है, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ हो कि आप दूसरी कंपनी से या कहीं और से लोन को ले सकें, उसे फीजिबिलिटी कहते हैं. तो 3 तरह की फीजिबिलिटी, टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक. टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी आपके पास इतनी हो, आप नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके, और नहीं है आपके पास तो उसे जनरेट कर सके, वो टेक्निकल फीसिबिलिटी. फाइनेंशियल फीसिबिलिटी अगर आपके पास, देखो इकोनॉमिक फीसिबिलिटी अगर पैसा है देन वेल एंड गुड, अगर पैसा नहीं है तो फाइनेंशियल फीसिबिलिटी में किस किस जरिए हम अपना पैसा ले सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल फीसिबिलिटी होगी. गॉट माई पॉइंट? फिर नेम अप्रूवल. प्रमोटर का काम होता है कंपनी के नाम को सोचना, कंपनी के नाम क्या होगा, नामकरण करने का हक प्रमोटर को होता है. प्रमोटर जो नाम रखता है उसमें कोई भी ऑल्टर नहीं कर सकता, सबको उसे मानना ही मानना पड़ता है. जो नाम वो रखना चाहता है वो लिख के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को दे दे, उस वक्त से यही नाम रखे जाएगा. बड़ी बड़ी ब्रांड देख लो, LG का नाम L और G ही क्यों रखा गया, किसी ने तो सोचा होगा, वो LG के प्रमोटर ने सोचा होगा. Xiaomi का नाम Xiaomi ही क्यों रखा गया, वो उसके प्रमोटर ने सोचा होगा. तो जो नाम एक प्रमोटर सोच देता है वही नाम आगे रखा जाता है. समझ गए? नेक्स्ट, फिक्सिंग अप ऑफ सिग्नेचरीज ऑफ टू द मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन. आपने आपके मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन को साइन करना, उसे बनाना, मैंने आपको पहले भी बताया था मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, दोबारा भी आज रिवाइज करवा दूंगी, उसे बनाना और सारे डायरेक्टर्स के कंसेंट लेने, कंसेंट मतलब सारे डायरेक्टर्स की रजामंदी लेनी भी इनका ही काम होता है.
नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े लोगों को अपॉइंट करना, जैसे बैंकर्स को, ऑडिटर्स को, डायरेक्टर्स को, बड़े बड़े लोगों को अपॉइंट करने का काम भी प्रमोटर का ही होता है। कि अगर मैं एक सिंपल सीधे सरल शब्दों में बात करूँ ना, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए और मैंने अगर सब ये 1 लाख भी रुपए अगर मैंने एक प्रमोटर हायर कर लिया तो मैं फ्री हूँ, सारा काम प्रमोटर करेगा, मैं तो आराम से जाके बॉस बन के बैठूँ कि सारा काम प्रमोटर करेगा, इन शॉर्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर, अधिकतर आते हैं, लिख लेना, इसे नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत करना, इंक्लूडिंग हेडिंग सब कुछ लिख लेना। अगला, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ये दो ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली मेन, तो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और तीसरा कई बार आ जाते हैं कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ये तीन हमारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने का काम भी हमारे प्रमोटर का ही होता है। तो माय डियर छोटे छोटे बच्चों, क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा, हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होती है, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी क्या होती है, प्रमोटर कौन होता है, फंक्शंस क्या होते हैं प्रमोटर के, पहला फंक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फिर दूसरा फिजिबल स्टडीज होता है, फिर हमारा तीसरा होता है नेम अप्रूवल, चौथा होता है फिक्सिंग अप ऑफ सिग्नेचर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पाँचवा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, छठा प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद हेडिंग, विद सब कुछ लिख के रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लिखना जो मैंने आपको दे रखा है स्लाइड्स में। आगे पढ़ते हैं हम, फिर जब हमारा प्रमोशन स्टेज हो जाता है तो प्रमोटर के फंक्शन जाते हैं। मैं आपको पोजीशन ऑफ प्रमोटर बता देती हूँ कि क्या पोजीशन होती है कंपनी में प्रमोटर की। पहला, प्रमोटर ऑफ अ कंपनी एंजॉय फिड्यूशियरी पोजीशन विच दे मस्ट नॉट मिसयूज। उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, फिड्यूशियरी की जगह लिख सकते हो मोस्ट वाइटल पोजीशन होती है उसकी कंपनी की, लेकिन उसको उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। वो प्रॉफिट सारा कंपनी को बताएगा, ओनर को बताएगा, वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रखेगा अपने पास, कौन, प्रमोटर। इन द इवेंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, अगर उसने ऐसा किया और प्रॉफिट नहीं बताया, सीक्रेट प्रॉफिट रखा, तो एक ओनर के पास राइट्स होता है उसको पनिश करने का। वो कोई भी इलीगल काम नहीं करेगा, कोई भी करप्टेड काम नहीं करेगा, और जो रेनोमरेशन होती है, रेनोमरेशन मतलब सैलरी, प्रमोटर की सैलरी लमसम अमाउंट में पे हो जाती है। लमसम मतलब आगे आप बहुत पढ़ोगे, लमसम मतलब कोई फिक्स नहीं होती कि भाई गवर्नमेंट ने कह दिया इतना इतना पैसा देना होता है, 25,000, 30,000, 40,000, कोई भी लमसम अमाउंट में उसकी पेमेंट हो जाती है। और उसके पास ये राइट होता है कि वो शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद सके अपनी कंपनी के, आगे आए कि मैं आपको बताऊंगी। उसके पास ये राइट होता है और लोगों की सैलरीज को रख सके। उसके पास राइट होता है, अभी अभी हमने पिछले फंक्शंस में पढ़ा था, और इम्पॉर्टेंट बैंकर्स, ऑडिटर्स वगैरह को बुला सके। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एनी 5 लिख लेना पोजिशन ऑफ अ प्रमोटर की, कभी कभी आते हैं बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ हमारा प्रमोशन स्टेज खत्म होता है। सेकेंड हम करते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज, ये भी वैसे मैंने आपको बता रखी है फिर भी सुन लो। ये इनकॉर्पोरेशन स्टेज शुरू जब होती है, जब प्रमोशन स्टेज में प्रमोशन स्टेज को खुलने के बाद एक कंपनी हमारी खुल गई, उसके बाद अब हमारा काम होता है इनकॉर्पोरेट करना। इनकॉर्पोरेट मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें ड्यूली साइन करवाना, उनको बताना। बेसिकली हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, और उसके अलावा हमारे कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स भी होता है, लेकिन इनको बताना, इनको बनाना, बना के रजिस्ट्रार तक पहुँचाने का काम भी इनकॉर्पोरेशन स्टेज का ही होता है। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यूली स्टैम्प्ड साइंड एंड विटनेस इन केस ऑफ अ पब्लिक एटलीस्ट 7 मेंबर्स। देखो, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि ये आपका साइन होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए रजिस्ट्रार के पास, जिसमें पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी हमारा स्टैम्प होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ये इनकॉर्पोरेशन स्टेज की रिक्वायरमेंट्स हैं। जो सारे डायरेक्टर्स के कंसेंट होने चाहिए, और उनकी कितनी वो शेयर्स को परचेज करते हैं वो पता होना चाहिए। रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रार का लेटर ऑफ अप्रूविंग, जिसमें नाम आपकी कंपनी का अप्रूव हुआ है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होगी तो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। मैं वो चीज़ें बता रही हूँ, इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ अ कंपनी। तो पहला लिखोगे आप, ये फर्स्ट पॉइंट, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइन वाला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइन विद द कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स डिस्क अंडरटेकिंग्स परचेज क्वालिफिकेशन थर्ड, और
आपका अगर डायरेक्टर से, चाहे वो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, उनके कंसर्न मतलब होते हैं उनकी रजामंदी, उनकी हाँ, उनकी हाजिरी कि हाँ हम ये बिज़नेस करने में हैप्पी हैं, वो होना चाहिए। फिर जो आपका, जो आपने नाम लिख के दिया होगा प्रमोशन स्टेज में, तो आपका रजिस्ट्रार उसे साइन करके अप्रूव कर दे, वो होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास एक नोटिस होना चाहिए कि आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए, और जो आप फीस पे करते हो वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस की स्लिप होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आपकी इनकॉर्पोरेशन स्टेज कंप्लीट होती है। अगर इनमें से आपके पास कोई एक भी नहीं है तो आपकी इनकॉर्पोरेशन स्टेज को कम्प्लीट नहीं माना जाता। सारे लिखना ये पॉइंट्स इसके, ठीक है। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं और आपने इनको फिल आउट कर लिया होता है, तो आपको एक मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब उसका क्या इफेक्ट होता है बिजनेस में, ये देख लेते हैं। अब कंपनी हमारी जब एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हो जाती है, तो जो कंपनी की डेफिनेशन है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैव अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, उसके बाद उसकी कॉमन सील बनती है, वो लीगल सेपरेट आइडेंटिटी बनती है, वो उसका एक अपना नाम बनता है, वो रेगुलरली वो इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस में अपने डिसीजंस को ले सकती है, समझे। अब मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि हमारा जो होता है, मैम ओडीएम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, मैंने आपको कई बार बता रखा, मेरा अब रिपीट करने का मन नहीं कर रहा, मेरी उन वीडियोस में देख लेना। मैम ओडीएम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और ये हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वही जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड है, ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको पहले डिफरेंस बता देती हूँ, मैम ओडीएम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक हमारे लास्ट स्टेज बच जाएगी, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, उसके बाद हमारा चैप्टर ओवर। ऑल इन वन वीडियो में चैप्टर रिवाइज भी करवा दिया, नोट्स भी दे दिए, ओवर भी हो गया। देखो, मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ जब हमारी कंपनी फॉर्म होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बताती है कि हम हमारी कंपनी को कैसे रन कर सकते हैं, है ना। जो मेन पोजीशन होती है, द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी इज सबॉर्डिनेट टू का कंपनी एक्ट, ये हमारे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारे मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट दोनों के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन हमारे रिलेशनशिप बताते हैं कंपनी के और बाहर वाले पर्सन। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया था कि मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन हमारे चार्टर ऑफ कंपनी कहलाती है, बिकॉज ये हमारी कंपनी को बाहर वाले लोगों से, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से अवगत करवाती है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारी रिलेशनशिप करवाती है मेंबर्स, इंटरनल मेंबर्स से और कंपनी से, मैंने पहले भी बता रखा है। फिर इसकी जो वैलिडिटी होती है, ये इनवैलिड हो जाती है कि अगर इसमें कोई मिस्टेक आ जाए या कोई पर्सन इसकी मिस्टेक निकाल दे, लेकिन अगर इसमें कोई मिस्टेक आ जाए तो ऐसा कुछ नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो अपने आप ठीक कर सकते हैं। नेसेसरी हर कंपनी को मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन तो बनाना पड़ता है, क्योंकि तभी उनके में इन्वेस्टमेंट आएगा। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टोटली ऑप्शनल है फॉर अ पब्लिक कंपनी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू फाइल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और उनकी मर्जी है, वो कर भी सकते नहीं भी कर सकते। अगर उन्हें करना है तो टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, समझ गए। ये भी लिख लेना अपने नोटबुक। लास्ट पॉइंट हम कर लेते हैं, लास्ट स्टेज हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज का मतलब होता है कैपिटल रेज करना। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप अगर कैपिटल रेज करें थ्रू एनी सोर्स, तो उसे हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज कहें, ठीक है। पहला होता है हमारा SEBI अप्रूवल। तो SEBI अप्रूवल का क्या मतलब होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, आप अगर कोई चीज़ अप्रूव कर रहे हो या आप कोई रेस कर रहे हो फंड, तो SEBI का अप्रूवल उसमें बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि वो ही बताती है कि क्या हमारे राइट्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किन मर्यादाओं के अंदर रह के आप अपने फंड्स को रेस कर सकते हैं, क्या चीज़ आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड, फिर आपका प्रोस्पेक्टस आपको फिल आउट करना होता है, मैंने आपको पहले भी प्रोस्पेक्टस बता रखा है। प्रोस्पेक्टस हमारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास से फिल होकर एक डॉक्यूमेंट आता है। आप कभी किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाओ तो भी आपको उसका प्रोस्पेक्टस मिलता है। क्या होता है उसमें, ये होता है कि आपकी स्कूल की ऐसी क्या खासियत है कि आप हमारे स्कूल में आइए और हमारे स्कूल का पार्ट बने।
तो प्रोस्पेक्टस हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमारा नोटिस शो करता है, जो हमें बताता है कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन अवर कंपनी, हमारी कंपनी में ऐसी क्या खास क्वालिटीज़ है कि आप आइए और हमारी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। ये जो बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स होते हैं, ये इसलिए हायर किए जाते हैं जिससे ये पता चले कि हमारा फंड कहाँ से और किस सोर्स से आता है। अगर सपोज करो कोई अनपढ़ बंदा आ गया अपनी कंपनी को खोलने के लिए, तो उसे तो नहीं पता होगा ना कि किस किस सोर्स से बैंक, किस किस सोर्स से हम फंड को रेज कर सकते हैं। तो वो एक बैंकर हमारा काम करता है कि वो बताता है कि किस किस सोर्सों से आप अपने फंड को रेज कर सकते हो, क्या आपके लिए सही है, एंड हाउ विल यू बी एबल टू गेट द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ योर फंड। आप अपने रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ फंड कैसे जनरेट कर सकते हो, क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। अगला मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कम से कम इतने नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको इंक्लूड करने ही करने पड़ेंगे जिससे आपको आगे अपने बिजनेस को रन आउट कर सको। कई लोगों के दिल में ये बहुत कंफ्यूजन होती है कि हम क्या करें या कैसे करें या कितने शेयर्स को अप्रूव करें या कितने शेयर्स को जनरेट करें जिससे हमारी कंपनी अच्छे से चल सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर अ सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर गोइंग अहेड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आपके चैप्टर, आप जब आप 12th क्लास में आओगे, आने वाले हो एक दो महीने बाद, तो आपके उसमें क्या होता है आपके तीन बुक्स हो जाती है, एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी। कंपनी आपके पूरे एक अलग, मतलब बुक तो एक ही है लेकिन उसमें आपका पार्ट अलग है। तो उसमें आपको ये तीन चीज़ें पढ़नी होगी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, एप्लीकेशन ऑफ शेयर और फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। तो तब आपको वैसे तो पता चलेगा, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक कंपनी हमने लिमिट बांध देती है। अगर मैं लिमिट बांध दूँगी, मैं 10 लाख से ऊपर शेयर्स नहीं ले सकती, तो मेरी मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया कि मतलब मेरे हो गया कि मैं 10 लाख से ऊपर नहीं ले सकती, तो वो मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया। तो ये होता है कि आपका एक सीमा बांध देते कि उससे ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। फिफ्थ, एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आप जब अपने फंड्स रेज करते हो तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को एटलीस्ट एक बार तो उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, अगर आप शेयर्स या डिबेंचर्स कुछ अप्रूव करो। तो फिर जब आप ऐसा कर लेते हो तो आपको उसकी परमिशन जब तक आपको मिली है, इज नॉट ग्रांटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अगर आपने उसकी, सपोज करो आपने उसकी एप्लीकेशन ले ली और आपको पसंद नहीं आया, आपको कोई दिक्कत आई, तो आप 8 दिन के अंदर उसे दोबारा रेक्टिफाई करवा सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के पास। और जब ये सारा हो जाएगा तो आपके शेयर्स रिसीव हो जाएंगे, शेयर्स रिसीव हो जाएंगे तो आप अपना फंड्स को भी जनरेट कर सकते हैं, आपके शेयर्स रिसीव हो जाएंगे और अलॉटमेंट लेटर भी आपको मिल जाते हैं। और जो अलॉटमेंट ऑफ लेटर होता है वो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार से अप्रूवल होना उसका चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन में आपके SEBI अप्रूवल हो गया, फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स हो गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज हो गया, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेरा ये चैप्टर आज पूरा फिनिश हो गया, मैंने अपने ऑलमोस्ट 1/2 घंटे में फुल चैप्टर कम्प्लीट करवा दिया, दोबारा रिकैप करवा दिया। ये चैप्टर काफ़ी हद तक सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, मैंने इसे आज दोबारा कंप्लीट करवा दिया। जैसे जैसे मैंने नोट्स लिखे वैसे वैसे ही आप इसे अपने नोटबुक में लिखना, और किसी भी अगर पॉइंट में आपको कोई डाउट होता है या दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलती हूँ अपने न्यू चैप्टर के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी।